अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बिल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। व्यूअर, आज के इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे सम मोर फंक्शंस ऑफ एक्सेल के। व्यूअर्स, ये मेरे पास डिफरेंट यूनिट से हासिल होने वाली प्रॉफिट्स हैं, जो कि 7 मंथ का प्रॉफिट की एक शीट है मेरे पास, और 7th पॉइंट पे मुझे यूनिट 1 से 372 रुपीज़, यूनिट 2 से 264 रुपीज़ हुए हैं, और यूनिट 3 से 286 रुपीज़ अर्न हुए हैं, और यूनिट 4 से 412 रुपीज़ अर्न हुए हैं। अब मैं बहुत सारे, ये तो अभी फ़िलहाल 4 यूनिट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, 200-300 यूनिट्स हो सकते हैं, या तो कोई भी डाटा हो सकता है। उस डाटे में से आपको कुछ ऐसी वैल्यू फाउंड करनी है, मतलब आप उस डाटे में से लार्जेस्ट वैल्यू फाउंड करना चाहते हैं, उस डाटे की सबसे मिनिमम वैल्यू फाउंड करना चाहते हैं, तो आप उसकी कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं MS Excel के अंदर क्विक फंक्शंस को यूज़ करते हैं। इस देखिएगा, इस वैल्यू में से व्यूअर्स मैं जो है लार्जेस्ट वैल्यू को फाउंड करना चाहता हूँ। तो व्यूअर्स देखिएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जिस सेल में मुझे रिजल्ट चाहिए, और अपने फार्मूला टैब के अंदर से फंक्शन से मैक्सिमम की एक ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से इस मैक्सिमम की ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा मेरे पास जो रेंज सेलेक्ट हुई हुई है वो मार्चिंग आर्ट बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुई है, लेकिन मैं यहाँ से MS Excel को अपनी रेंज देता हूँ कि मुझे इस वाले से नहीं भाई, मुझे इस वाले से चाहिए। ये देखिएगा, मैंने MS Excel को ये वाली रेंज दे दी कि मुझे इस रेंज में से जो है वो मैक्सिमम अमाउंट निकाल के दिखाओ, मुझे मैनुअली ना देखना पड़े 4000 यूनिट के डेट से कि मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है, तो मैं मैक्सिमम अमाउंट निकाल सकता हूँ यहाँ से। देखिए, गौर से देखिएगा, मैं एक्सेल को क्या कमांड दे रहा हूँ, इक्वल टू मैक्सिमम का फंक्शन मैंने डाला हुआ है, मैक्सिमम के फंक्शन को मैंने डाल के और एक्सेल को एक रेंज दी है, I75 से लेके I78 तक मैंने एक्सेल को एक रेंज दी है कि मुझे यहाँ से मुझे मैक्सिमम अमाउंट निकाल दी जाए। तो मैक्सिमम अमाउंट आप इसे एंटर करें तो व्यूअर्स ये देखिएगा 412 जो है वो मैक्सिमम अमाउंट है आपके इस डेटे के अंदर। देखिएगा मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है, 412। ये व्यूअर्स आपने मैक्सिमम अमाउंट निकाल ली। इसी तरह आप इस डेटे में से मिनिमम अमाउंट भी निकाल सकते हैं कि मिनिमम किस यूनिट के प्रोडक्शन मेरे पास रही। थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने माइंड को देखिए, डेटे में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको क्यों चाहिए होती है। मेरे किस यूनिट की प्रोडक्शन मिनिमम रही, किस यूनिट की प्रोडक्शन मैक्सिमम रही, किस सेल पॉइंट से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, किस सेल पॉइंट से मुझे मिनिमम प्रॉफिट आ रहा है, सब सेल पॉइंट का अगर आपके पास प्रॉफिट है और उनमें से आप मिनिमम प्रॉफिट किस सेल पॉइंट से आ रहा है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। अगर जिस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए वो, और यहाँ से आप अपने आठ सम के फंक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मिनिमम का फंक्शन है, आप मिनिमम का फंक्शन अप्लाई कर दें। देखिएगा मिनिमम के फंक्शन के अप्लाई करने के बाद MS Excel ने ऊपर ही से मार्चिंग आर्ट शो करवाने शुरू कर दिए, लेकिन मैं MS Excel को कहता हूँ नहीं नहीं ये नहीं, मैं इस डाटे की रेंज देता हूँ। अपने माउस के लेफ्ट की कंटिन्यूस प्रेस करते हुए मैंने ये रेंज सेलेक्ट करके दे दी, और यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। देखिएगा 264 जो है मिनिमम वैल्यू है मेरे डाटे के अंदर, 264 इज़ मिनिमम वैल्यू मेरे डाटे के अंदर, जो मिनिमम वैल्यू है वो 264 है। इस तरह व्यूअर मीडियन होता है, मीडियन जो स्टैट्स के लोग हैं वो समझते हैं कि मिड वैल्यू किसी चीज़ की भी मिड वैल्यू होती है, ठीक है, टोटल वैल्यू को जमा करके, जिसे एवरेज भी आप कहते हैं, एक एवरेज वैल्यू एक मीडियन वैल्यू होती है, थोड़ा सा माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन के लोग समझते हैं, स्टैटिक्स के लोग इसको समझते हैं। आप यहाँ से मीडियम की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप ऑटोसम से फिर जिस ऑटोसम से आप जो है वो मीडियन निकाल सकते हैं। मोर फंक्शंस को अप्लाई करें, ऑल फंक्शन को क्लिक करके फिर आप मीडियन जो है मीडियन ये व्यूअर्स मीडियन का फंक्शन है, और से मीडियन आप इस मीडियम को ओके कर दें। ओके करने के बाद व्यूअर्स आप यहां से इसको कोई से भी रेंज दे दें, ये देखिए जहां जिस भी डाटा से आप मीडियन वैल्यू निकालना चाहते हैं, और उसे इंटर कर दें, तो व्यूअर्स ये आपकी मीडियन वैल्यू है 322, आपके डाटे की मीडियन वैल्यू है।
इसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन के फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्टैटिकल एक टर्म है कि कितना डेविएट हुआ है। स्टैंडर्ड जो आप रखते हैं एक मीडियन वैल्यू से, जो डेविएशन है कितनी है आपके डाटा के अंदर, आप वो भी मालूम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एग्जांपल मैं इस डाटा के अंदर मालूम करता हूँ, तो इस सेल के अंदर मैं रिजल्ट चाहता हूँ, और यहाँ से इक्वल टू, आप फार्मूला बार पे वर्क कीजिएगा। फार्मूला बार पे अब मैं एक डिफरेंट तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन इंटर करूँ, जैसे ही मैं एस टी डी लिखता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन पी आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एस आ जाता है, स्टडीवा आ जाता है, स्टडीवा ए है। तो यहाँ से मैं सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पी पे क्लिक करता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन पी पे क्लिक करने के बाद देखिएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर मांग रहा है हमसे नंबर, तो आप बस यहाँ से उसको रेंज दे दें। रेंज देने के बाद पैराथीसिस को क्लोज कर दें और इंटर कर दें, तो व्यूअर्स ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिकल टूल से आपके पास आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह व्यूअर्स आप अपने डाटे के अंदर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम अपने इसी डाटे के अंदर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालते हैं, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू और फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू जो है, जब आप रिजल्ट कार्ड वगैरह बना रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू यूज़ करते हैं आप। अब मैं इस डाटे के अंदर व्यूअर्स, इस डाटे के अंदर मैं जो है वो इस डाटे के अंदर मैं सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैं देखिएगा व्यूअर्स कैसे निकालते हैं सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। यहाँ जिस सेल के अंदर आपको रिजल्ट चाहिए आप उसके अंदर क्लिक करें, अब फिर फार्मूला बार के ऊपर देखिएगा, अब इक्वल टू आपने डाला और लार्ज, यहाँ पे लार्ज का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। लार्ज के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद व्यूअर देखिएगा वो आपको इंडिकेट कर रहा है, नीचे देखिएगा गौर से देखिएगा मेरा थंबनेल जो है एरे के ऊपर आ रहा है। एरे बेसिकली क्या है, एरे बेसिकली रेंज है। आपको लार्ज वैल्यू फाउंड करनी है, किस रेंज से आपको लार्ज वैल्यू फाउंड करनी है। फिर मुझे इस डाटे से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और माउस की कंटिन्यूस लेफ्ट की को प्रेस करते हुए मैं ये रेंज सेलेक्ट करने लगता हूँ। अब व्यूअर्स आपने एक रेंज सेलेक्ट कर ली, लेकिन रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप उस रेंज में से क्या लार्जेस्ट वैल्यू लेना चाहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट लेना चाहते हैं, थर्ड लार्जेस्ट लेना चाहते हैं, फोर्थ लार्जेस्ट लेना चाहते हैं, कौन सी लार्जेस्ट लेना चाहते हैं। आप सेकंड लार्जेस्ट लेना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट लार्जेस्ट लेना चाहते हैं तो आप स्लैश ये कोमा डाल के, मैं कोमा डालता हूँ, ये मैंने मेरे फार्मूला बार पे गौर कीजिएगा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोमा डाला। उसके बाद मैंने एम एस एक्सेल को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू दिखाए, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू दिखाए, या थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू दिखाए। अब मैं यहाँ पे व्यूअर्स फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू रखता हूँ, तो देखिएगा और पैराथीसिस को क्लोज करता हूँ। फार्मूला बार पे गौर कीजिएगा, मैंने क्या कमांड दिया है एम एस एक्सेल को, मैंने कहा लार्ज वैल्यू मुझे निकाल के दिखाओ मेरे इस रेंज के अंदर से, और कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट हो, सबसे लार्जेस्ट हो, नंबर वन लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो मैं इंटर करता हूँ व्यूअर्स, तो देखिएगा रिजल्ट क्या है, 412 है। जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू इस डेटे के अंदर थी वो 412 है। ये देखिए ऊपर भी 412 मैक्सिमम के थ्रू मैं निकाला था, और यहाँ से मैंने अब लार्जेस्ट वैल्यू फर्स्ट को इंटर करते हुए, लार्जेस्ट फंक्शन को इंटर करते हुए, ऊपर मैंने मैक्सिमम फंक्शन को इंटर करते हुए निकाली थी। अब मैंने जो व्यूअर्स लार्जेस्ट के फंक्शन को यूज़ करते हुए मैंने अपने डेटे की हाईएस्ट वैल्यू निकाली है, लेकिन अब मुझे हाईएस्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेकंड हाईएस्ट वैल्यू अपने डेटे की। तो व्यूअर्स यहाँ से जो मैंने फर्स्ट हाईएस्ट को रखा था फार्मूला बार पे गौर किया जाएगा गौर से, जो मैंने फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू रखी थी उसको मैं अब बैक स्पेस करके टू कर देता हूँ। जैसे मैं टू करके व्यूअर्स इंटर करूँगा, टू करके इंटर करूँगा, तो मेरे उस जो रेंज में से जो है वो मुझे सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू निकलेगी। पहले लार्जेस्ट वैल्यू 412 है, और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू व्यूअर्स क्या है, 372। अब देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखिएगा, जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मेरी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू 372 आ जाएगी व्यूअर्स। ये देखिएगा व्यूअर्स सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू जो आ चुकी है वो है 372। ये व्यूअर्स लार्जेस्ट वैल्यू निकालने का तरीका, सेकंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट,
मैक्सिमम वैल्यू निकालने का अपने रेट से, मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका, मीडियन अपने का तरीका, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका। थैंक यू फॉर वॉचिंग द बिल्ट ई लर्निंग। इंशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज बिल्टअप, आप हमारी वीडियोस मसलसल देखते रहें और तरतीब से देखते रहें, इंशाल्लाह हम दावे के साथ कहते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज बिल्टअप होगी।